Good morning, class 8. I am Babita Juneja, and today I will teach you chapter Say No from your English reader book. Now see, class, there was once a witty barber named Gopal. एक बार एक नाई जिसका कि नाम गोपाल था वो बहुत ही हाजिर जवाब था. He had helped the king, राजा कृष्णा, many a time. महाराज कृष्णा को बहुत बार उसने उनके काम में सलाह में मदद दी थी. He was a king's favorite now. और अपनी इसी समझदारी की वजह से वो राजा का चहेता बन गया था. The king loved him for his wisdom. राजा गोपाल को उसकी समझदारी के लिए बहुत ही पसंद करता था. Whenever गोपाल asked the king for anything, the king never said no to him. अगर कभी गोपाल राजा को किसी बात के लिए कहता तो राजा उसको कभी भी ना ना करता. He would immediately say yes with a smile. राजा जल्दी ही मुस्कान के साथ उसको हाँ कह देता. The king trusted गोपाल completely. राजा गोपाल पर बहुत विश्वास करता था. The king's ministers and courtiers became jealous of गोपाल. राजा के दरबार के बाकी मंत्री और दरबारी गोपाल से बहुत ईर्ष्या करते थे. They would always try to make गोपाल look like a fool. वो हमेशा कोशिश करते कि राजा के सामने गोपाल को मूर्ख साबित करे. But every time गोपाल would get the better of them. पर हर बार गोपाल जो है वो सही निकल जाता. He would make them all look like complete fools. और राजा के सामने मंत्री और दरबारियों को वो मूर्ख बना देता. One day the ministers and the courtiers thought of a plan. एक दिन मंत्री और दरबारियों ने एक प्लान बनाया. They decided to talk to the king when गोपाल was not around. उन्होंने फैसला किया जब गोपाल राजा के आसपास नहीं था कि हम राजा से बात करते हैं. One of them said to the king, Your Majesty, you trust गोपाल too much. उनमें से एक ने राजा से कहा, राजा आप गोपाल पर बहुत विश्वास करते हैं. He gets away with so many things because you say yes to whatever he says. आप जब भी वो कोई बात कहता है उसके लिए आप बहुत ही जल्दी हाँ कह देते हो. If you once you say no to what he says, you will see that he can't solve any of your problems. अगर एक बार आप उसको ना कहेंगे तो आप देखोगे कि वो आपकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं करेगा. The king thought for a while and then said, You are all jealous of him. राजा ने कुछ पल के लिए सोचा और कहा, तुम सब लोग गोपाल से जलते हो. In spite of what you say, I know he is very clever and witty. तुम जो कुछ भी कह रहे हो मुझे पता है और मैं समझता हूँ कि वो गोपाल बहुत ही चुस्त और समझदार है. I shall prove it to you that even if I say no to what he says, he will still be as clever and witty as always. मैं तुम्हें ये प्रूव कर दूँगा, साबित कर दूँगा कि अगर मैं उसको ना भी कहता हूँ तो फिर भी वो बहुत ही चलाकी और समझदारी से काम करेगा. Let's then see what happens. देखते हैं फिर क्या होता है. All the ministers and courtiers went away very pleased. सभी मंत्री और दरबारी चुपचाप वहाँ से चले गए. They were certain that the king would find Gopal neither clever nor witty. उनको पूरा यकीन था कि राजा को जब वो गोपाल को ना करेगा उसके बाद ना तो वो उसको समझदार लगेगा और ना ही चालाक लगेगा. द नेक्स्ट डे गोपाल अराइव्ड एट द कोर्ट. अगले दिन गोपाल दरबार में आया. ही नोटिस द मिनिस्टर्स एंड द कॉर्टियर्स गिगलिंग एट हिज बैक. उसने महसूस किया कि दरबार के मंत्री और दरबारी जो हैं पीठ पीछे उस पर हंस रहे हैं. ही एट वंस न्यू देयर वाज समथिंग फिशी, सो ही डिसाइडेड टू बी केयरफुल. उसको दाल में कुछ काला नजर आया और उसने फैसला किया कि मैं थोड़ा सावधान रहूँगा. द किंग, द कॉर्टियर्स एंड द मिनिस्टर्स स्टार्टेड डिस्कसिंग द यूजुअल इशूज. राजा, दरबारी, मंत्री हर रोज़ की तरह जो मसले थे वो आपस में डिस्कस करने लग गए. द किंग वॉन्टेड टू नो हाउ द पीपल ऑफ हिज किंगडम कुड बी मेड वाइज एंड इंटेलिजेंट. राजा ये जानना चाहता था कि उसके राज्य के लोगों को कैसे चलाक और बुद्धिमान बनाया जाए. गोपाल स्टेप्ड फॉरवर्ड विद द सजेशन. गोपाल झट से अपनी सलाह लेकर आगे आ गया. ही सेड, योर मजेस्टी, आई थिंक वी शुड आस्क देम टू हैव अ डिस्कशन ऑन सम टॉपिक एवरी डे फॉर वन आवर एटलीस्ट. गोपाल कहता है, महाराज मुझे लगता है हमें रोज़ उनको दरबार में बुलाना चाहिए और उनके सामने एक विषय रख के कम एक घंटे तक उसके ऊपर उनके सुझाव या उनके साथ डिस्कशन करनी चाहिए. द किंग लुक्ड एट गोपाल एंड सेड नो. राजा ने गोपाल की तरफ देखा और कहा, नहीं.
Gopal was shocked. Gopal हैरान हो गया. Because the king had never said no to him. क्योंकि राजा ने कभी भी उसको ना नहीं कहा था. He thought a little and then said, उसने कुछ सोचा और फिर कहा, Your Majesty, don't you think a friendly discussion would help people think clearly? महाराज, क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम मित्रतापूर्ण उनके साथ कुछ विचार करेंगे तो लोगों को बात समझने में आसानी रहेगी? They will also gain confidence in themselves. उनका अपने आप में भी विश्वास बढ़ जाएगा. Once again the king said flatly, no. राजा ने फिर साफ तौर पर उसको ना कह दिया. गोपाल stayed quiet and watched what was happening. गोपाल चुपचाप खड़ा रहा और देखने लगा कि ये क्या हो रहा है. Every time he said anything, the king would shake his head saying a big no. गोपाल जब भी कोई बात करता, राजा अपना सिर ना में हिला देता. गोपाल was surprised to see that the king was saying no to whatever he said. गोपाल बहुत हैरान था कि राजा मेरी हर बात पर ना कर रहा है. He felt certain that it was some dirty plan of the king's ministers who wanted to get rid of him. अब उसको ये महसूस होने लग गया कि मंत्री और दरबारियों द्वारा मिलकर ये कोई बुरा प्लान बनाया गया है ताकि मुझे दरबार से निकाला जा सके. He decided to wait patiently for the right opportunity to get back at them. अब उसने रुक कर कुछ सोच कर सब्र से ये फैसला किया कि मुझे मौका आने तक संभल कर रहना चाहिए. Thank you so much. We'll continue this lesson in our next video. Thank you.